अब बढ़िया। टॉप टू बॉटम हम कहते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बिल्कुल हो रहा है जी, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। आखिर रीजन क्या है भाई, समझ में आ गया कि नंबर ऑफ शेल्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोटॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और से देखो, अगर सेकंड पीरियड में लिथियम में 3 प्रोटॉन है, अब देखो बेरिलियम में पीरियड तो ही रहा, प्रोटॉन 4 हो गए, बोरॉन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, नियॉन में 10। राइट पे जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज और छोटा हो जाएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज जो राइट टॉप पे होता है हीलियम का होता है, और सीजियम का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। चलो ये तो बात हो गई एटॉमिक साइज। What about ionization potential, electron affinity और electron negativity? ये तीनों चीज़ें top to bottom decrease होती हैं और left to right increase होती हैं। ठीक है जी, top to bottom decrease, left to right increase। जैसा कि अगर हम बात करें तो atomic size के inversely proportional है, तो सबसे बड़ा size मैंने कहा periodic table में cesium का। लेकिन जब बात आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की होगी, तो सबसे कम पीरियोडिक टेबल में ये किसकी होगी? सीजियम। सीजियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल भी सबसे कम, सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे कम, और सीजियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे कम। हाँ, ये ज़्यादा किसकी होंगी? तो देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल तो सबसे ज़्यादा हीलियम की ज़्यादा होगी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हीलियम की हो ही नहीं सकती नोबल गैस की, क्योंकि होती है पावर टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों किसकी ज़्यादा होगी और क्यों।